Education sparks. Let's integrate. Let's make it possible. नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्पार्क चैनल और आज हम हैं पटियाला के एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से एक GCI में। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर हितेश जी से कि उनका एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन स्पार्क मैगजीन के बारे में क्या कहना है। तो सर, जैसे कि आप इतने सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपने कहाँ से की और इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है और इसका मेन विजन क्या है? मैम, इसको मैंने स्टार्ट किया ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। एक्चुअली ये प्रोफेशन बाद में बना, पहले मेरी ये हॉबी था। ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी ओनली। तो ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मेरा इन सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों में। तो कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास +1 +2 के, कि भैया, आई वॉज लाइक इन फर्स्ट ईयर, तो कहते भैया हमें हेल्प कर दो टॉपिक्स में। तो मैं उनको कराया, उनको बहुत पसंद आया मेथड मेरा पढ़ाने का, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो वो मज़ा वो हॉबी ही कब प्रोफेशन बन गई, कब हम इतना आगे निकल गए, ठीक है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस करियर में। सर, जैसे कि आजकल कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो मतलब बैनर के नीचे अलग अलग टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके हिसाब से इंडिविजुअल टीचिंग और इस तरह की टीचिंग में क्या डिफरेंस है और मतलब कौन सी टीचिंग बेटर है? देखिए, ऑब्वियसली मुझे तो इंडिविजुअल टीचिंग बेटर लगती है। मैं मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो दोनों सब्जेक्ट्स में मेरा एक्सपर्टाइज है। मुझे 13 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते, JEE एडवांस लेवल तक दोनों सब्जेक्ट्स को मैं होल्ड करता हूँ। अगर मैं खुद भी यहाँ पे टीचर आगे रख लूँ, तो एक रिस्क रहता है कि वो टीचर पूरा साल मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। मैंने सैलरी पे एक बंदा रख लिया, कल को किसी और इंस्टीट्यूट ने ज़्यादा ऑफर कर दी, तो उसको लगेगा यार निकलो। जैसे हर एक क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट होता है, एक टॉप रैंक का स्टूडेंट होता है, तो उनको मतलब किस तरह से आप डील करते हैं हर एक बच्चे के साथ? मैम, टॉप रैंकर्स के लिए हमने एडवांस मटेरियल बनाया हुआ है एडवांस लेवल का। पहले हम देखो, क्लास में एक रेगुलर मटेरियल सबको करवाते हैं। उस रेगुलर मटेरियल में जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं टेस्ट के अंदर, हम उनकी लिस्ट बनाते जाते हैं, तो उन बच्चों को एडवांस मटेरियल मिलता है, तो उनकी एडवांस की क्लासेज अलग लगती हैं। ऐसे ही जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनती है कि ये बच्चे इतना नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मोटिवेशनल लेक्चर भी होता है, काउंसलिंग भी होती है 1-to-1। एक हमने फुल डे डाउट टीचर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो उनके एक एक बच्चे के ना अलग अलग जो भी डाउट है, कई बार उनके पुरानी क्लासेस के बेसिक्स वीक होते हैं, तो वो इंडिविजुअली उनको 1-to-1 पढ़ाते हैं ताकि वो बराबर आएँ बच्चों के साथ। सर, आप जैसे अभी फाउंडेशन विंग लॉन्च कर रहे हैं नया, तो उसके पीछे का मेन आइडिया क्या है? उसके पीछे का मैम आइडिया ये है, पिछले 3-4 सालों से मैं जब प्लस वन को पढ़ाता हूँ, तो पहले 3 महीने पढ़ाना बहुत मुश्किल है उनको, उनका बेस इतना वीक होता था। मैं कुछ भी उनको समझाना चाहता हूँ, उनको माइंड यूज़ करने की आदत नहीं थी, क्योंकि ये जो CGPA सिस्टम था पहले, वो मुझे नहीं पसंद था, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं आता तो भी CGPA आ रही है बच्चों की। सर, जैसे स्टूडेंट्स के साथ साथ आप पेरेंट्स से किस तरह से टाई अप में रहते हैं? पेरेंट्स के साथ रेगुलर रिपोर्टिंग होती है, हर संडे टेस्ट होता है, संडे टेस्ट का रिजल्ट विद इन 3 डेज पेरेंट्स के पास रिपोर्ट जाती है, डेली अटेंडेंस हो रही है। अगर बच्चा एब्सेंट होता है तो शाम को ही पेरेंट्स के पास फ़ोन जाता है कि आपका बच्चा नहीं आया जी आज। पेरेंट्स को हमारे साथ मिलना डेली अलाउड है, और वैसे आफ्टर 40-45 डेज एक PTM भी अरेंज होती है। तो सर, एजुकेशन स्पार्क जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम स्कूल टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं कोचिंग स्टूडेंट, इन सब के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो सर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप कर रहे हैं? नहीं, इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे आप सारे एजुकेशन सिस्टम को क्लब कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, स्कूल अपने हिसाब से लगा हुआ है, हम अपने हिसाब से लगे हुए हैं, तो आप एक ब्रिज का काम कर रहे हो हमारे बीच में, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा फर्स्ट पॉइंट, कि हमारा जो हम भी, मेरे पास कोई आर्टिकल है, कोई नॉलेज है, मैं अपने बच्चों को तो दे पा रहा हूँ, पर मैं स्कूल के बच्चों को नहीं दे सकता, आपके थ्रू मैं उनके पास भी पहुँचा सकता हूँ। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बाकी टीचर्स अलग तरीके से कराते हैं, मेरे पास बहुत अच्छे शॉर्ट टेक्निक्स हैं, तो मैं वो आर्टिकल आपको दे दूँगा कि जी आप प्रिंट कीजिए अगर आप लाइक करते हो, और आप 10,000 कॉपी जैसे आप कहते हो, तो आप 10,000 बच्चों में वो नॉलेज पहुँचेगी मेरी। फुल आइडिया पटियाला के लिए बहुत, मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू यू पीपल कि आप पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला के बाद पटियाला में एंटर किए हो। तो आई लाइक दिस मैगजीन, दैट्स वाई मैंने इतना अच्छा आपको मतलब कनेक्ट किया है ना। एक अच्छा मेथड है, क्योंकि बच्चों के हाथ में जाता है, बच्चा उसे रीड आउट करता है जो भी मैं मटेरियल बोलना चाहता हूँ,
मेरे पास कुछ भी आइडियाज़ हैं अपनी एजुकेशन को लेके, सिस्टम को लेके, हम होर्डिंग लगा देते हैं, उसमें जो मैं मटेरियल है वो नहीं दे सकता, वो रीड नहीं हो सकता, है ना। तो वो तो बच्चा देख लेता है ओके जी सी आई इज़ देयर। आपकी मैगजीन में मैं सारी डिटेलिंग दे सकता हूँ कि भाई हम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ये टॉपिक ऐसे होगा, ये सिलेबस ऐसे कंप्लीट किया जाएगा। बेस्ट विशेज फॉर आर एजुकेशन। हाँ तो विशेज जी, आप ग्रो कीजिए और मेहनत कीजिए, सब लोग मिलकर काम करें, एजुकेशन को ग्रो करें। हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, कोशिश करें हम साउथ इंडिया से ऊपर रिजल्ट्स दें। इट्स अ पॉजिटिव फाइट। तो ये थी राय हितेश गोयल सर की हमारी एजुकेशन स्पार्क मैगजीन और एजुकेशन सिस्टम को लेकर। देखते रहिए मेरे साथ एजुकेशन स्पार्क चैनल विद योर रिपोर्टर मेघा एंड कैमरामैन अमित शुक्ला, एजुकेशन स्पार्क चैनल पटियाला।